एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रेखा सिन्हा अपने चैनल रेखा द स्मॉल वर्ल्ड में फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी आज संडे है और पापा आए हुए थे मेरे एक हफ्ते से, तो अभी वो जा रहे हैं, इसलिए ना मन बड़ा उदास लग रहा है। पता नहीं क्यों, कुछ भी, अब तो हम लोग बिल्कुल 20-22 सालों से मैं अकेले ही रहती हूँ, मैंने अलग ही रहती हूँ, आना जाना ही बस रहता है, लेकिन फिर भी जब भी जाते हैं ना अब तो बहुत बुरा लगता है। पता नहीं क्यों, ये जो होता है ना, मतलब जो मन होता है ना वो ऐसे ही होता है, बिल्कुल अपने आप में समझ ही नहीं आता है क्यों उदास है। सब कुछ समझते हैं कि अलग तो रहना ही है, पापा को तो जाना ही है, फिर भी मन उदास हो जाता है। जब मम्मी थी थोड़ा सा उतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन अब बहुत बुरा लगता है। मम्मी की डेथ के बाद पापा बिल्कुल मेरे अकेले रहते हैं, एक काम वाला भी है लेकिन फिर भी वो ज़्यादा कुछ उससे करवाते नहीं है, वो खेती बाड़ी का काम ज़्यादा करता है, साथ में रहता है लेकिन मतलब खाने पीने का काम और सब कुछ वो खुद ही कर लेते हैं मैनेज। बीच बीच में एक मेड आती है, बर्तन वगैरह धो लेती है, लेकिन ज़्यादातर काम कर लेते हैं। और कितनी अजीब बात है ना, और जब मेरी मम्मी थी तो मेरे पापा को चीनी नमक तक का फ़र्क पता नहीं था, और किचन में तो वो जाते ही नहीं थे, पर मम्मी की डेथ के बाद इतना ज़्यादा चेंज हुए। तो ये कह सकते हैं ना कि जो ह्यूमन बीइंग्स होता है ना, बहुत अपने आप को एडजस्ट कर सकता, बहुत पावर होता है एडजस्टिंग का। तो इतना सारा कुछ वो करते हैं ना कि हम लोगों को ख़राब लगता है कि कैसे वो इतना कुछ कर सकते हैं। आटा गूंथ लेते हैं, रोटी बना लेते हैं, रोटी मेकर में बना लेते हैं रोटी, और कुछ कुछ सब्जी भी बना लेते हैं, मैंने भुजिया वजिया उसी तरह से खा लेते हैं, ज़्यादातर तो फ्रूट दही दूध इसी सब पे खाते हैं, लेकिन फिर भी खाना वाना अपने खाने भर बना लेते हैं। ये सब सीखे हैं, पता नहीं कहाँ से सीखे हैं मम्मी के जाने के बाद। तो ये सब सोच सोच के ना और भी बुरा लगता है कि कैसे मतलब चेंज हो गए पापा इतना। और हम लोग के यहाँ थे तो कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके वो खुश रहें, तो बस अब जा रहे हैं तो यही मन थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। सब कुछ समझता है मन, फिर भी उदास हो जाता है। यही है रिश्ता मानव का, या बेटी का पिता से माता से, सबसे जो होता है मायके से। तो बस पापा के लिए सिंपल सा खाना, बहुत सारे उनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो बस सिंपल सिंपल सा उनका थोड़ा सा मैं फेवरेट चीज़ बनाने की कोशिश करती हूँ। वो उनके जाने के बाद हम लोग आ गए स्विमिंग क्लास में शाम में, तो मैंने अभी हाल ही में स्विमिंग ज्वाइन किया है मुस्की के साथ। मेरा बहुत मन था कि मैं भी स्विमिंग सीखूँ, और मुस्की का तो मन था ही, तो बस हम लोग चले आते हैं स्विमिंग के लिए। और ये मेरी गिल्लू की देखिए कुछ क्लिप है, ये जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, हम लोगों को कुछ कुछ बहुत चेंजेस दिख रहा है। ये बहुत अकेला रहना चाहता है, बहुत छुप करके रहना चाहता है। मैंने इसे बालकनी में रख दिया, देखिए बिल्कुल कैमरा से वो बच रहा है, कपड़े के उस साइड चला जा रहा है, बिल्कुल पता नहीं कैसा है, बहुत चेंजेस आ गया है। और बहुत सारा सामान ये अब तोड़ने लगा है, उछलता है, तोड़ता नहीं बेचारा जान कर, लेकिन टूट जाता है। और कपड़े बहुत काटने लगा है, तो थोड़ी सी परेशानी हो गई है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, इसलिए मैंने इसे बालकनी में रख दिया है। लेकिन फिर भी ये ना बहुत छुप करके रहना चाहता है। उसके बाद अब ये है शाम का समय और मैं बना रही हूँ पनीर बटर मसाला। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में घी ले लिया है, बड़ी इलायची और दो लौंग डाल दिया है, फिर प्याज को क्रश करके अच्छा खासा मैंने उसको एक बार मिक्सी में चला लिया है ताकि वो क्रश हो जाए अच्छे से, और मैंने उसे डाल दिया, उसको अच्छे से फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद मसाले डालने, और मसाले में मैंने लिया है दो टमाटर, जीरा, धनिया, काजू और लाल मिर्च। बस ये टमाटर का पेस्ट और काजू का पेस्ट साथ में मैं मिला दी, मैंने बहुत झटपट से बना रही हूँ, मिला देना है, फिर चीनी नमक डाल देना है, और उसके बाद थोड़ा सा मसाले को फ्राई होने देना है, फिर इसमें डाल देना है पनीर, क्योंकि मैंने पनीर को पहले फ्राई नहीं किया था इसलिए मैंने मसाले के साथ ही फ्राई कर रही हूँ। फिर डाल देना है पानी और उसको ढक देना है थोड़ा सा, ताकि पनीर जो और भी सॉफ्ट हो जाए। और थोड़ा देर के लिए ढकने के बाद हम इसको फिर से 4-5 मिनट तक बिल्कुल मीडियम हीट पर इसको छोड़ देना है, ताकि वो अच्छे से मसाले इसमें हो जाए
और हमारा पनीर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और आपको जैसा पता है मैं साथ साथ में किचन में काम भी कर रही हूँ, आटा गूँथ ली हूँ साथ साथ में, और अब बस ये होने ही वाला है। देखिए मैंने ढक्कन हटा दिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मलाई। मलाई को मैंने थोड़ा सा चला लिया है मिक्सी में, तो थोड़ा पतला दिख रहा है लेकिन इससे पूरा अच्छे से फिट आ जाता है। और बस मलाई को थोड़ा सा, मलाई जो अच्छे से मिक्स हो जाए उतना चलाना है इसको। चलाने के बाद फिर इसको थोड़ा देर मैं छोड़ दे रही हूँ 1 से 2 मिनट के लिए, और साथ साथ में कुछ कुछ काम कर ले रही हूँ रोटी बनाने का, तो काम तो साथ साथ में चलता ही रहता है। और लास्ट में मैं डाल दे रही हूँ कसूरी मेथी इस तरह से हाथों से मसल करके, और हमारा जो पनीर बटर मसाला कहिए या पनीर की सब्जी कहिए बिहारी स्टाइल बिल्कुल रेडी है। और अब मैं बना रही हूँ रोटी, साथ साथ मेरा गाना भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से मैं सब काम कर ले रही हूँ और उसके बाद मैं कुछ अब DIY बनाऊंगी अपने इंट्रेंस का ना, मैं थोड़ा सा मेकओवर करने वाली हूँ। तो बस मैंने ये बॉटल है पानी का, फट गया था ये, मैंने इसको बीच से कट कर लिया है और ये 3D लाइनर से मैं थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर दे रही हूँ ताकि सुंदर लगे। और अब मैं आ गई हूँ अपने इंट्रेंस में, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कैसे कैसे मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने जो पुराना कुछ लगा के रखा है ना वो सब मैं हटा लूँगी। देखिए ये मेरा कछुआ, इसका भी पूरा जो मुंह के पास है ना पूरा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग नूनी लगना बोलते हैं, वो लग गया, उसको मैं झाड़ करके हटा लूँगी। और ये देखिए मेरे पास कुछ रोल थे उसको मैं हाफ़ कट कर ले रही हूँ, और उसके बाद हाफ़ कट करने के बाद मैं इसे पेंट कर लूँगी डिफरेंट कलर में। आप जिस जो आपका आप पसंद का कलर वो पेंट कर लें। ये कुछ खास मैं बना नहीं रही हूँ, बस थोड़ा बाहर में डेकोरेट कर दूँगी इससे, इसीलिए मैंने सबको डिफरेंट डिफरेंट कलर में पेंट कर लिया है। और मैं इसमें कुछ पुट्टी से बनाऊँगी कोन और उसी से कुछ डिज़ाइनिंग कर दूँगी और फिर मिरर लगा दूँगी। बहुत छोटा सा काम है, तो मैंने पुट्टी ले लिया 2 चम्मच, 1 चम्मच डाला है इसमें फेविकॉल और थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने डाला है पानी, और मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। थोड़ा सा वाइट कलर मैंने डाल दिया है, और मैंने कोन बनाने में बहुत मेहनत लग रहा था तो मैंने छोटा सा पॉलीथीन ले लिया, उसमें मैंने इसको भर दिया और कॉर्नर से मैंने उसको हल्का सा खोल दिया। बस फटाफट से मेरा कोन बन गया, और मैं इसको इस तरह से जो भी आप रैंडम डिज़ाइन बनाना चाहें बना लें। मैं कुछ ज़्यादा इसमें नहीं करने के मूड में थी क्योंकि बाहर मेरे को सब लगाना था, थोड़ा थोड़ा चीज़ मैं लगा दे रही थी बस।
जो भी मैंने सामान निकाला है उसको देख देख ले रही हूँ कहाँ पे कैसे अच्छा लगेगा। और ये मेरा एरिका पाम है, इसको मैं अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। मैं अक्सर इसको साफ़ कर देती हूँ भींगे कपड़े से, दोनों तरफ से हाथ रख के इस तरह से उसको मतलब उसको वाइप कर लें, पोंछ लें, तो ये बहुत शाइनिंग रहता है इसमें। कभी कभी एलोवेरा जेल से भी इसकी मतलब कि इसके ऊपर मैं लगा देती हूँ ताकि बहुत शाइनिंग करे, शाइन करे। और जो इसके सूखे पत्ते हैं ना, मैं साथ साथ में हटा भी दे रही हूँ। और इसको मैं दरवाजे के पास ही रखती हूँ। और उसके बाद ये जो मैंने बनाया था ना, इसको फटाफट से इस तरह से एक मतलब पैटर्न पे मैं इसको चिपका दे रही हूँ डबल टेप की सहायता से। मुझे ना बनाने के बाद उतना ये अच्छा नहीं लगा। और ये रहा मेरा फाइनल लुक।